ड्राइविंग इज वेरी लिबर्टिंग एक्सपीरियंस, पर कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा इंटरमीडिएटिंग हो सकता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है, तो ऐसे लोगों में कई बार कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, स्पेशली इन गर्ल्स। गर्ल्स को मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बॉयज तो बहुत छोटी एज से अपने घरों की गाड़ियाँ उठाकर ड्राइविंग शुरू कर देते हैं, पर गर्ल्स को ये मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए आज का ये सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नए नए ड्राइवर हो तो आप बहुत बार पैनिक हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता इतनी सारी चीज़ें जो आपने इतने सारे ड्राइविंग लेसन्स ले लिए हैं, उन्हें अप्लाई कैसे करना है, क्या सही टाइम पे सही एक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, उसी को बेस करके मैंने ये सेशन बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है उन सभी लोगों के लिए जो बिगिनर है या ड्राइविंग के टाइम पे लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हेलो, दिस इज ज्योति, वेलकम टू वंडरलस्ट, और आज का एपिसोड है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बिहाइंड द व्हील्स। ड्राइविंग के टाइम सबसे ज़्यादा जो काम आती है वो होती है आपकी स्पीड। अगर आप स्लो स्पीड में ड्राइव करते हैं तो आप ज़्यादा कमांडिंग स्टेज में होते हैं, गाड़ी को बहुत अच्छी तरह कमांड कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब आप बिगिनर हैं एंड प्रो भी अगर हो जाते हैं, तो स्पीड को अपना स्टेटस ना बनाएं, आप उतनी ही स्पीड रखें जितनी स्पीड में आपको गाड़ी पे सबसे बेहतर कमांड मिलता है। और ये जो स्पीड है, ये सिचुएशन और आपके कार के ऊपर भी डिपेंड करेगी। बट रिमेम्बर, इफ यू आर गोइंग स्लो इट विल बी मैनेजेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू आर स्टार्टिंग, यू हैव टू सेट योर मिरर्स एंड योर सीट। ड्राइविंग करते टाइम सबसे बड़ी और जरूरी चीज होती है आपका कम्फर्ट। तो आप अपने कंफर्ट के लिए अपना सिटिंग पोस्चर एकदम सही रखें, अपने शीशों को इस तरह सेट करें जहां से आपको बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। मैंने अपने एडजस्टमेंट वाले वीडियो में आपको IRVM और ORVM की सेटिंग भी बताई थी, साथ ही मैंने अपनी सीट को भी एडजस्ट करना सिखाया था, तो आप उसे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपका कॉन्फिडेंस आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ये डे वन में जितना होता है, डे थ्री, डे फोर, डे सेवन में ये बढ़ता चला जाता है। तो प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहने, प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप गाड़ी के साथ ज्यादा फेमिलियर होते चले जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो किसी प्रोफेशनल की मदद लें, क्योंकि अगर आपने ड्राइविंग लेसन्स को ऑनलाइन लिया है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि किसी भी फिजिकल ट्रेनर से आप ड्राइविंग लेसन्स जरूर लें, ताकि आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मेक श्योर करें, जब आप नए नए ड्राइवर हैं तो अपने साथ हमेशा किसी ऐसे बंदे को लेकर चलें जिसके साथ आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, जो आपको फीडबैक भी देता रहे साथ के साथ। मेरे केस में मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे शुरू में, और उससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। इवन मुझे एक दोस्त मिलता था जिसके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती थी एंड फीडबैक भी लेती थी। तो आप भी अपने साथ ड्राइविंग के दौरान शुरुआती दौर में किसी ना किसी ऐसे पर्सन को लेकर निकले जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सेकंड चीज क्या है, जब आप गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं तो वहाँ का फिनोमिना चेंज होता रहता है, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ का टाइमिंग सब कुछ मैटर करता है। आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, आपको रोड काफी खाली मिलेगा, आप शाम के टाइम निकलेंगे, बहुत बिजी ट्रैफिक मिलता है, तो रोड चेंज होती रहती है टाइमिंग के हिसाब से, साथ ही वहाँ पर होने वाला क्राउड भी चेंज होता है, हर एरिया का अपना अलग अलग क्राउड होता है। तो आप कोशिश करें, जब आप शुरू में चला रहे हैं तो ऐसी टाइमिंग प्रेफर करें जब आपको ज्यादा से ज्यादा खाली रोड मिले, और आपको शुरुआत के टाइम पे टर्न्स लेने का प्रैक्टिस करना है, पार्किंग का प्रैक्टिस करना है, और आपको प्रैक्टिस करना है कि आप मर्जिंग लाइंस को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी चलाएं, लेन का ख्याल रखना है। शुरुआत में अगर आप ये सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप अपने ट्रैफिक रूल्स का भी खास ख्याल रखें। बाहर होने वाले शोर का आपके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग हॉन्क करते हैं, उन्हें हॉन्क करने देना है। रेड लाइट पे हमेशा टाइम पे रुकें। अपनी गाड़ी जब आप रेड लाइट से कई बार बहुत टाइम के लिए बंद हो जाती है, तो जब निकालते हैं तो कई बार लोगों को, बिगिनर्स को स्पेशली, उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पैनिक नहीं होना है, आपको एकदम काम रहना है। यानी कि आप जब भी ड्राइव कर रहे हैं, देन स्टे काम। काम होना आपका ड्राइविंग के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे कि कितने सारे प्रो ड्राइवर्स भी एक्सीडेंट कर देते हैं जब वो बहुत एंग्जाइशियस होते हैं, हड़बड़ी में अपनी गाड़ी निकालते हैं या कुछ ऐसा, जिससे उनका फोकस रोड पे नहीं होता, तो एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है।
तो आपको जब भी गाड़ी निकालनी है कीप इन योर माइंड कि आपको काम रहना है, आपको फोकस्ड रहना है, रोड पर ही देखना है, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं चाहिए। अगर आप प्रो भी हैं तो भी अवॉइड करें कि आप ड्राइव करते करते अगर कुछ खा रहे हैं, अगर आपके अगल बगल बच्चे बैठे हुए हैं शोर कर रहे हैं, आप उनसे बात करने लग जाते हैं, उन्हें चुप कराने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर पे आप बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप म्यूजिक भी मत चलाइए, बस आप रोड पे ध्यान रखिए और अपना जो फोकस है वो पूरा का पूरा ड्राइविंग पे रखिए। तो ये सारे टिप्स का ख्याल रख के आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। याद रहे आपकी प्रैक्टिस हमेशा खुली जगह पे होनी चाहिए, आपके साथ कोई एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। और एक आपको एक्स्ट्रा टिप देती हूँ जो आपके बड़े काम आएगी, अगर आपकी कोई फ्रेंड उसी दौरान गाड़ी सीख रही है तो उससे मिलते रहिए, बातें करते रहिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं वो जब एक साथ बात करते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सभी के साथ होता है। एंड रिमेम्बर, हर व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो एक दिन बिगिनर था और उसने प्रैक्टिस करते करते ये कमांड किया है, उस कमांड को पाने के लिए आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस चाहिए जितनी उसने की है। मे बी किसी की थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है तो ड्राइविंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सेशंस के अलावा आपकी जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, बिकॉज ये एक पूरा प्रैक्टिकल है, आपको सिर्फ थ्योरी में ये बताया जा सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है और उन सारी चीजों को अप्लाई करना है आपको रोड पे। तो फोकस रखिए, काम रहिए एंड डिस्ट्रैक्शंस अपने साथ मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। शुरुआती दौर में जब आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको टर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, पार्किंग की प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करिए कि आप बहुत ही अच्छे टर्न ले पाएं, शार्प टर्न ले पाएं, यू टर्न ले पाएं। और जब आप सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने लगते हैं एक टाइम पे खुली रोड पे, तो ट्रस्ट में बिजी रोड पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जब आप प्रॉपर जजमेंट रखते हैं, प्रॉपर फोकस रखते हैं और आप सदी हुई ड्राइविंग करते हैं, स्पीड के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो आपको एक हैप्पी और सेफ ड्राइविंग का मजा मिलता है और जो बदल जाता है हर दिन आपके कॉन्फिडेंस में। अगर आप रोड पर प्रॉपर फोकस रखते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन गाड़ी चलाते हैं थोड़ी थोड़ी, तो आने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, घर पर जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है, वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाती है। अगले दिन आप मोर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जो है आपका बूस्ट होता चला जाएगा। इन चीजों का ख्याल रखिए, आपकी ड्राइविंग अच्छी होती जाएगी। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस की लगभग सारी चीजों को मेंशन किया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।